संसद में हंगामा और अफरा तफरी मचाने की साजिश से जुड़ी परतें धीरे धीरे खुलने लगी। आरोपियों की कुंडली के साथ का इस हंगामे को अंजाम देने की प्लानिंग से जुड़े कई राज अब सामने आ गए और पता चला कि संसद हमले की 22वीं बरसी पर हंगामे की साजिश रचने वाले चार नहीं बल्कि पांच लोग हैं और पांचों अलग अलग राज्य के रहने वाले हैं। संसद में घुसकर स्मोक क्रैकर छोड़ने वाला आरोपी सागर शर्मा उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है, जबकि उसके साथ संसद में घुसकर बवाल मचाने वाला दूसरा आरोपी मनोरंजन डी कर्नाटक के मैसूरू का रहने वाला है। वहीं संसद के बाहर हंगामा करने और स्मोक क्रैकर छोड़ने का आरोपी अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। उसके साथ संसद के बाहर नारेबाजी कर रही नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है और संसद के बाहर हंगामे का वीडियो बना रहा ललित झा मूलतः बिहार का है लेकिन फिलहाल किराए का कमरा लेकर कोलकाता में रह रहा था। इसके अलावा संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों में विकी शर्मा उर्फ जंगली का भी नाम सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी इसी के घर पर ठहरे थे। पुलिस विकी और उसकी पत्नी वृंदा को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई है। दिल्ली पुलिस आईपीसी की धारा 186, 353, 120B, 34 और यूएपीए एक्ट के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक संसद भवन तक पांच लोग आए थे, जिनमें से दो यानी सागर शर्मा और मनोरंजन संसद के अंदर थे, जबकि नीलम और अमोल संसद के बाहर हंगामा कर रहे थे। वहीं इन चारों के साथ ललित झा भी था। सभी चारों आरोपियों ने ललित झा को अपना मोबाइल फोन दिया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी ललित झा हंगामे के दौरान बाहर से वीडियो बना रहा था और जैसे ही बवाल बढ़ा ललित सभी आरोपियों का मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गया। यही नहीं, ललित झा ने भागने से पहले अपने एनजीओ पार्टनर को हमले का वीडियो व्हाट्सएप किया था। उसने हंगामे पर अपने दोस्तों से मीडिया कवरेज की मांग की थी। ललित झा किराए का मकान लेकर और बतौर शिक्षक अपनी पहचान बताकर कोलकाता में करीब पाँच साल तक रहा। वो वहाँ के एक एनजीओ में काम करता था। ये एक कमरे का एक घर है जो कोलकाता के सेंट्रल कोलकाता में है और इस घर में लगभग चार से पाँच साल ललित मोहन झा जो यहाँ पे रहते थे और लगभग डेढ़ साल पहले यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ताला लगा हुआ है और घर में ताला लगा के ललित यहाँ से चला गया। कोलकाता से ललित कहाँ गया, किससे मिला और किसके कहने पर संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने जैसी साजिश में शामिल हुआ, इसकी जांच की जा रही है। ललित झा कोलकाता के जिस एनजीओ में काम करता था उसके सदस्य नीलाक्ष से जी मीडिया ने बातचीत की। बताया जा रहा है कि नीलाक्ष ही वो शख्स है जिसे ललित ने संसद में हंगामे का वीडियो व्हाट्सएप पर भेजा था। हालांकि नीलाक्ष ने बताया कि वो ललित झा को पहले से नहीं जानता था। उसकी एक कार्यक्रम के दौरान इसी साल अप्रैल में उससे मुलाकात हुई और उसने ललित को एनजीओ में काम करने का ऑफर दिया। ललित झा बोले जिन्हें रोजन इनार साथे हमारा परिचय है अप्रैल मास नागाद এবং ওনার সাথে আমার পরিচয়টা হয় হচ্ছে একটা ইভেন্টে। আমি একটা ইভেন্টে গিয়েছিলাম সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে, ভারতসভা হল, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে। সেখানে আমি ওনাকে দেখি, উনি মানে হেল্প আউট করছিলেন, ইভেন্টটা অর্গানাইজ করতে হেল্প আউট করছিলেন। তো সেইখান থেকে আমার সাথে ওনার পরিচয় হয়। यही नहीं, नीलाक्ष के पिता ने बताया कि ललित झा का उनके घर पर आना जाना नहीं था। দেখুন ওরা বাড়িতে আমার কোনোদিন আসেনি, টেলিফোনে পরিচয়, এপ্রিল মাসে ও কোথায় গেছে, ও তো বাড়িতে থাকে না, ও বিধাননগর কলেজে পড়ে, এক কলেজে যায়, কলেজ থেকে এবার ওর যদি বাইরে কোথাও পরিচয় হয়। भले ही नीलाक्ष और उसका परिवार ललित झा से पल्ला झाड़ रहा हो लेकिन संसद हंगामे के आरोपी ललित के बंगाल कनेक्शन की जांच की जा रही है। जी न्यूज संवाददाता पियाली मित्रा ने आरोपी ललित झा के भाई सोनू झा से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। सोनू ने बताया कि लंबे समय से ललित और उसकी बातचीत नहीं हुई। ललित कहाँ पे है अभी? वो हमको क्या मालूम। उससे कब मिले थे आप लास्ट? लास्ट तो हमको याद भी नहीं है कब मिले थे। क्यों, उनके साथ आपका कुछ कनेक्शन नहीं है? सब कनेक्शन है। तो कब मिले थे पता नहीं बोल रहे हैं। दिल्ली गया था वो, कब गया दिल्ली ललित? ये नहीं हम बोल पाएंगे। अच्छा, ये संसद वाला केस में जो उसका नाम आ रहा है इसके बारे में आपको कुछ पता था कि ये ललित ऐसा कुछ सोच रहा है संसद में ऐसा कुछ हमला हंगामा करेगा? पता तो कल हुआ, आज सुबह में हुआ जब हम देखे टेलीविजन पे। हमको इससे पहले कभी कुछ पता नहीं था। ललित करता क्या है? ललित वो तो नॉर्मल टीचर है, प्राइवेट टीचर। वहीं अब तक की जांच में पता चला है कि ललित झा समेत बाकी के सभी आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते थे। ये लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और संसद में हंगामे की पूरी प्लानिंग कर चुके थे।
जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संसद में हंगामे का बीज करीब 1.5 साल पहले बोया गया था। दरअसल सभी आरोपी भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। करीब 1.5 साल पहले सभी आरोपी कर्नाटक के मैसूरु में मिले। करीब 9 महीने पहले मार्च में चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास किसानों के प्रदर्शन में भी इनकी मुलाकात हुई। इसके बाद कुछ महीने पहले भी सभी आरोपियों की दिल्ली में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान संसद में हंगामे के प्लान पर मुहर लगाई गई, जिसके बाद इसी साल जुलाई में सागर शर्मा दिल्ली आया और संसद की रेकी की। संसद की बाहर से रेकी करने के बाद सागर शर्मा लखनऊ लौट गया, लेकिन सिग्नल ऐप के जरिए ये सभी एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। दरअसल संसद हंगामे के सभी आरोपियों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी, फिर आपस में बात करने के लिए ये सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करने लगे। और सिग्नल ऐप पर बातचीत के दौरान ही आरोपियों ने 13 दिसंबर को संसद में हंगामे का प्लान बनाया, जिसके बाद 10 दिसंबर को सभी एक एक कर दिल्ली पहुंचे। सभी आरोपी 10 दिसंबर की रात गुरुग्राम में विक्की के घर पहुंचे। देर रात आरोपी ललित झा भी गुरुग्राम पहुंच गया। अमोल महाराष्ट्र से कलर वाला पटाखा यानी स्मोक क्रैकर लेकर आया था। सभी लोग इंडिया गेट पर मिले, जहां सभी को स्मोक क्रैकर बांटा गया। दोपहर 12 बजे सागर शर्मा और मनोरंजन संसद भवन के अंदर दाखिल हुए और 1:01 पर लोकसभा में हंगामे को अंजाम दिया, जिसमें सबसे आगे नजर आया लखनऊ का रहने वाला सागर शर्मा। अब तक की जांच में पता चला है कि सागर शर्मा के 2 फेसबुक अकाउंट हैं। वो अपने फेसबुक वॉल पर जो कुछ भी पोस्ट करता है उसमें अपना नाम सागर भारत लिखता है। सागर शर्मा फेसबुक पर इंकलाब इंडिया को भी फॉलो करता है। उसने 27 अक्टूबर 2021 को फेसबुक पर द न्यू बेरोजगार सॉन्ग लिखकर पोस्ट किया था, जबकि आखिर में अंग्रेजी में डेडिकेटेड टू अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ इंडिया लिखा था। यही नहीं, उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल में लिखा है, मेरे सपने ही मेरी दौलत है, मैं इतिहास लिखूंगा, आया हूँ दुनिया में तो कुछ करके मरूंगा। जबकि इसी साल उसने एक पोस्ट में लिखा था कि याद रखना, दुनिया में अगर खूबसूरत कुछ है तो वो सपना है, जो दिन रात याद दिलाता है हमें किस लिए जीना है। बिना सपनों के जीना जीवन को व्यर्थ करना है, और उससे भी ज्यादा व्यर्थ है सपनों के लिए संघर्ष न करना। सागर के सोशल मीडिया पोस्ट से जाहिर है कि सत्ता विरोधी गुटों से जुड़ने के साथ साथ उसका ब्रेन वॉश भी किया गया था। तो शायद यही वजह है कि सागर की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। लखनऊ से लेकर उसके गाँव तक पड़ताल की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि 12वीं पास ई रिक्शा चालक सागर ने संसद में हंगामा किसके कहने पर किया। वैसे अब तक की जांच में पता चला है कि सागर का परिवार मूल रूप से यूपी के उन्नाव का रहने वाला है, जबकि वो हाल ही में बेंगलुरु से लखनऊ लौटा था। वो 2 साल तक बैंगलोर में रहा, वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता रहा। उसके बाद इसी साल रक्षाबंधन में वापस अपने घर आया और ई रिक्शा वो लगातार 3 महीने से चला रहा था, लेकिन अचानक दिल्ली जाना इस तरह की घटना को अंजाम देना स्तब्ध कर देने वाला। यूपी पुलिस और जांच एजेंसियों ने सागर के परिवार वालों से पूछताछ की है। सागर के दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि सागर बाकी आरोपियों से संपर्क में आने के बाद बदला या पहले से ही ऐसा था। संसद घुसपैठ में शामिल नीलम आजाद का परिवार सख्ते में है। नीलम के परिवार की माने तो वो हिसार में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसने संसद की सुरक्षा में सेंध क्यों लगाई इसका नीलम के परिवार को कोई इल्म नहीं। पर कल टीवी में पता चला मेरे को कि वो ऐसे अरेस्ट हो गई। हमें पहले नहीं पता था कि वो दिल्ली गई। हमने तो वो पढ़ाई के लिए हिसार छोड़ रखी है, वहीं पर रहती थी, 6-7 महीने हो गए। वहीं नीलम की मां का कहना है कि उनकी बेटी पर गलत धाराएं लगाई गई हैं। नीलम ने तो लाले यू कदम उठाया, नारे लगांदी अरेस्ट करी है, भी कोई बम बगांदी नहीं पकड़ी, कोई बाहर खड़ी थी वाली नीलम तो गलत है। गिरफ्तारी के बाद 42 साल की नीलम आजाद के कुछ पुराने फोटो और वीडियो भी सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि वो राजनीति में दिलचस्पी रखती थी। वो पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल थी, जबकि एक वीडियो में देखा जा सकता है कि वो किसानों के साथ धरना दे रही है और मंच से केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। उधर पुलिस की 2 टीमों और एटीएस ने महाराष्ट्र के लातूर में छापेमारी की। दरअसल संसद के बाहर नारेबाजी और हंगामा करने वाला 25 साल का अमोल शिंदे लातूर में रहता है। लातूर में अमोल शिंदे का छोटा सा घर है, परिवार बेहद गरीब है। जबकि अमोल पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था, कई बार उसने परीक्षा भी दी लेकिन हर बार नाकाम हुआ। परिवार के मुताबिक इसके बाद से ही अमोल परेशान रहने लगा। एक छोटा सा घर इस अमोल शिंदे का है, वहाँ वो अपने माँ बाप भाई और बहन के साथ रहता है। वो तैयारी कर रहा था पुलिस रिक्रूटमेंट की, पिछले 5 सालों से वो प्रैक्टिस कर रहा था। कुछ एग्जाम्स उसने दिए लेकिन उसमें उसको सफलता नहीं मिली। उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो गया और अपने माँ बाप को वो ये फ्रस्ट्रेशन की कहानी भी सुनाता था।
जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक अमोल शिंदे 9 दिसंबर को घर से निकला था। इसके बाद से ही परिवार वाले उससे फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिलहाल पुलिस और एटीएस की टीमों ने अमोल के घर की तलाशी ली है। घर वालों के फोन भी जब्त किए गए हैं और आगे की जाँच में जुटी है। संसद में सुरक्षा चूक मामले को लेकर सदन में आज जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के कई सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की और लोकसभा में हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान सांसदों ने जमकर नारेबाजी भी की। हंगामे के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बार बार सांसदों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। इस दौरान विपक्ष के सांसद गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते रहे। बताया गया कि लोकसभा में हंगामा करने वाले सांसदों में कांग्रेस, टीएमसी और जेडीयू समेत विपक्ष की कई पार्टियों के नेता शामिल थे। और लोकसभा में हंगामा करने वाले इन सांसदों ने सुरक्षा में हुई चूक के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से सदन में इस पूरे मामले पर जवाब देने की भी मांग की। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बार बार इस मसले पर विपक्ष के नेताओं के साथ चर्चा की बात कहते रहे, लेकिन हंगामा कर रहे सांसद नहीं माने। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे, भविष्य में घटना हो इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मामले को संवेदनशील बताते हुए विपक्ष के सांसदों से शांति बनाने की अपील की। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। साथ ही रक्षा मंत्री ने सभी सांसदों से पास जारी करते वक्त सावधानी बरतने की मांग की। जिनको भी हम पास देते हैं, ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा करते, या हम सभी को केवल सत्ता पक्ष नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। और 2 बजे के बाद जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के सांसदों ने एक बार फिर हंगामा कर दिया, जिसके बाद लोकसभा से विपक्षी पार्टियों के 13 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। क्योंकि लोकसभा स्पीकर के बार बार मना करने के बावजूद ये सांसद हंगामा करते रहे। काफी कोशिशों के बाद भी लोकसभा में हंगामा नहीं थमा, जिसके बाद सांसदों को निलंबित कर दिया, यानी ये सांसद अब बाकी बचे शीतकालीन सत्र में भाग नहीं ले सकेंगे। लोकसभा से जिन सांसदों को निलंबित किया गया उनमें टीएन प्रतापन, हिबी इरेन, एस ज्योतिमणि, रम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस, बेनी बेहनन, वीके श्रीकांतम, पीआर नटराजन, मोहम्मद जावेद, कनिमोजी, के सुब्रमण्यम, मणिकम टैगोर, एस वेंकटेशन के नाम शामिल हैं। लोकसभा ही नहीं बल्कि संसद में सुरक्षा चूक मामले पर राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ। दोनों सदनों में विपक्ष सुरक्षा में चूक को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर नजर आया। और राज्यसभा में हंगामे के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन वेल में पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान डेरेक ओब्रायन ने सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच की मांग की, लेकिन वेल में आकर हंगामा करने पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ गुस्से में आ गए और उन्हें तुरंत बाहर जाने को कहा। बाद में सभापति ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई और सदन में अमर्यादित व्यवहार पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया। संसद के बाहर और अंदर स्मोक क्रैकर फोड़े जाने की घटना के बाद वहां सुरक्षा इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। संसद भवन में कौन कौन किस गेट से एंट्री करेगा, इसको लेकर भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक गज द्वार से सिर्फ प्रधानमंत्री ही प्रवेश करेंगे, वहीं लोकसभा स्पीकर की एंट्री हंस द्वार से होगी, जबकि राज्यसभा के चेयरमैन अश्व द्वार से सदन में जाएंगे। मकर द्वार से केंद्रीय मंत्री और सभी पार्टियों के सांसद की एंट्री होगी। वहीं कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और मंत्रालयों के अफसर शार्दुल और गरुण द्वार से ही अंदर जा पाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अफसर और कर्मचारी को भी शार्दुल और गरुण द्वार से ही एंट्री मिलेगी। वहीं सदन की कार्यवाही की कवरेज करने वाले मीडिया कर्मियों को गरुण द्वार से ही प्रवेश मिल सकेगा। इससे पहले संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर विपक्षी पार्टियों ने एक बैठक की। बताया गया कि इस बैठक के दौरान संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई और इस रणनीति के तहत ही संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया।
संसद की सुरक्षा में हुई चूक के लिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने महंगाई बेरोजगारी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की वजह से युवाओं में काफी नाराजगी है। कदम रास्ता अलग हो सकते, कभी किसी को मैं समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार नहीं आए, पेट पालना मुश्किल हो रहे हैं, ये यही तो हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जिस बीजेपी सांसद के पास पर दोनों आरोपी संसद में घुसे थे उन पर भी कार्रवाई की मांग की। तो ये भयंकरतम चूक है जब से संसद का गठन हुआ आज तक, और सरकार ने जवाब भी नहीं दिया। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर सोशल मीडिया के जरिए केंद्र पर हमला बोला और इस पर चर्चा कराने की मांग की। संसद में हुई सुरक्षा चूक की घटना के बाद जहां पूरा देश हैरान है, तो वहीं विपक्ष इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष के गठबंधन इंडिया में शामिल कई दलों के नेताओं ने इस मामले को लेकर केंद्र पर हमला बोला, जिनमें शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का नाम भी शामिल है। हालांकि उन्होंने कल हुई घटना की निंदा की, लेकिन ये भी कहा कि संसद में घुसने वाले लड़के कोई आतंकी नहीं है, बल्कि वो केंद्र की नीतियों की वजह से परेशान थे। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है, महंगाई बेरोजगारी के बारे में नारे देते हुए अंदर चले गए। वहीं विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। पार्टी के नेता हरनाथ सिंह ने संवेदनशील मामले पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। विपक्ष को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना यह किसी भी प्रकार से मुनासिब नहीं, और विपक्ष का एक उनको मानसिक रोग हो गया है। हालांकि विपक्ष गृह मंत्री से इस मसले पर सफाई देने की मांग पर अड़ा रहा। इस बीच संसद में हुई सुरक्षा चूक मामले में एक्शन लेते हुए लोकसभा सचिवालय ने 8 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। संसद के आसपास सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, तो वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई। और अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने इस मसले को लेकर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को निशाने पर ले लिया। नवनीत राणा ने यहां तक आरोप लगा दिया कि संसद में घुसे लोगों का कनेक्शन महुआ मोइत्रा से था। साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच कराने की मांग की। महुआ मित्रा, तो उनको जिस तरीके से सस्पेंड किया गया, उनके जो शब्द रहे हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के मर्यादा से बाहर, जो करप्शन के रिलेटेड उन्हें एक मत से बाहर किया गया, ये लोग उनके संबंध में 100% कहीं ना कहीं अटैच्ड होंगे। इस मसले पर जारी वार पलटवार के बीच संसद की सुरक्षा में कई बदलाव किए गए। साथ ही संसद के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई, मेन एंट्री गेट से लेकर संसद के भीतर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही के बीच विजिटर्स गैलरी से कूदने की घटना सुरक्षा में एक बड़ी चूक मानी जा रही है। हालांकि पहले भी इस तरह की घटनाएं संसद में हो चुकी हैं। 1994 में जब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, 5 मई 1994 को प्रेमपाल सिंह सम्राट नाम का एक व्यक्ति विजिटर्स गैलरी से लोकसभा में कूद गया था। सदन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसे कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इसी तरह 24 अगस्त 1994 को भी मोहन पाठक नाम का एक व्यक्ति विजिटर्स गैलरी से नारे लगाते वे लोकसभा में कूद गया था, जबकि मनमोहन सिंह तिवारी नाम का दूसरा व्यक्ति विजिटर्स गैलरी में खड़ा होकर नारे लगा रहा था। गिरफ्तार किए जाने के बाद दोनों को 2 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजा गया था। 1974 में तो संसद की कार्यवाही के बीच एक व्यक्ति पिस्टल लेकर विजिटर्स गैलरी पहुंच गया था, लेकिन उसे वक्त रहते गिरफ्तार कर लिया गया और 1 महीने की सजा सुनाई गई। 1974 में ही 2 बार ऐसा हुआ जब विजिटर्स धारदार हथियार लेकर विजिटर्स गैलरी में पहुंच गए। माफ कीजिए, दोनों ही मामलों में आरोपियों को लगभग 1-1 महीने की जेल हुई थी। इन 2 घटनाओं के अलावा विजिटर्स गैलरी में कई बार नारेबाजी की घटनाएं आई, साथ ही कई बार दर्शक दीर्घा में मौजूद लोग लोकसभा में पर्चे भी फेंक चुके हैं। 3 राज्यों में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को वाराणसी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। 2 दिन के दौरे में पीएम मोदी करीब 20 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों का ऑर्डर दिया गया है। भोपाल में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। गोपाल भार्गव सागर जिले की रेहली सीट से 9वीं बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर के महानदी भवन में पहली बार कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी वहां मौजूद रहे। विष्णुदेव साय ने कल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी।
दिल्ली में आज 500 इलेक्ट्रिक बसें एक साथ लॉन्च की गईं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी, लाइव ट्रैकिंग और पैनिक बटन समेत कई आधुनिक फीचर्स हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल का सर्वे कराने को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा जो पूरे सर्वे की निगरानी करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया, जिसमें हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि 18 दिसंबर को सर्वे की रूपरेखा तय की जाएगी। 18 दिसंबर को मॉडलिटीज तय होंगी कि एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, क्या उसकी मॉडलिटीज होंगी, कब से कब तक होना है, वो सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह का ये विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा है, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। याचिका में हिंदू पक्ष ने मस्जिद की दीवारों पर कमल के फूल और शेषनाग की आकृति होने का दावा करते हुए सर्वे की मांग की थी। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराए जो लेकर आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद बयानबाजी भी तेज हो गई। हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। साथ ही कोर्ट के आदेश के बाद मिठाई खिलाकर इसका जश्न भी मनाया गया। इस मामले के मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा ने दावा किया कि सर्वे से सच सामने आएगा। हमने आज प्रथम सीढ़ी पार कर ली है। हिंदू पक्ष की जो मांग थी लगातार कि मथुरा ईदगाह मस्जिद का सर्वे होना चाहिए, वो माननीय कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब कोर्ट के द्वारा आदेश के द्वारा ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे होगा। उधर बीजेपी नेताओं ने भी फैसले पर खुशी जताई। निश्चित रूप से जहाँ पर भगवान ने जन्म लिया था वहाँ पर उनका मंदिर था, उसको तोड़ा गया, वहाँ वापस मंदिर बनेगा ही बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने जांच में सहयोग की बात कही। हमारा मजहब जो है वो देश के संविधान को ही मानता है, हम संविधान पे विश्वास करते हैं, इसलिए संविधान ने जो कुछ कहा है वो अच्छी बात है, जांच होगी, होना चाहिए। इकबाल अंसारी ने दावा किया कि सर्वे से विवाद खत्म होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी सर्वे कराए जाने को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। साथ ही इस बात का दावा भी किया गया कि इस लड़ाई को वो आगे ले जाएंगे और इसके लिए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट की राहें खुली हुई हैं और हम सब ये डिमांड भी करते हैं कि हमें पूरी आज़ादी के साथ अपनी इबादतगाहों में इबादत करने दिया जाए, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट न पैदा की जाए। मामले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की इजाजत दे दी। बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद मैंने कहा था कि RSS की शरारत बढ़ेगी। इन विवादों को एक नया ग्रुप उछाल रहा है जो मुस्लिमों को लगातार निशाना बना रहा है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने फैसले पर खुशी जताई। इस सर्वे से यह साबित होना संभव होगा कि यह ईदगाह एक मंदिर के ध्वंसावशेषों पर बनाई गई है और इस स्थान का मूल चरित्र कभी भी मंदिर का ही है। आलोक कुमार ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को सर्वे का विरोध नहीं करना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद में कुल 18 मामले हैं जिनकी अब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। इस मामले में विवाद की बात की जाए तो पूरा मामला कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है, जिसमें 12 अक्टूबर 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच समझौता हुआ था, जिसमें 13.37 एकड़ जमीन में 10.9 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मभूमि को दी गई, जबकि 2.5 एकड़ जमीन शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट को दी गई थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़कर मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया गया था। प्रमाण के तौर पर मस्जिद की दीवारों पर कमल के फूल और शेषनाग की आकृति है जो बताती है कि मस्जिद को मंदिर के ऊपर बनाया गया। हिंदू पक्ष ने ईदगाह मस्जिद को हटाने और मस्जिद वाली जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान को देने की मांग की है। हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि अगर निगम में मुस्लिम पक्ष का नाम दर्ज नहीं है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में पूरी जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम है। नू इंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी के छोटे भाई पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है। नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी के छोटे भाई महेश पांचाल पर फरीदाबाद में कुछ बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बुरी तरह झुलस चुके महेश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीसी बनर्जी हॉस्टल में बम फटने से दो छात्र घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र अवैध तरीके से हॉस्टल के रूम में देसी बम बना रहे थे, तभी वो फट गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि दोनों छात्र हॉस्टल के कमरे में अवैध रूप से रह रहे थे। यूपी के अलीगढ़ में खाद्य विभाग के अफसरों ने नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 15 क्विंटल से ज्यादा नकली पनीर और दूध बरामद किया। फैक्ट्री में पनीर बनाने के लिए पोस्टर कलर और डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। सर्दियों में कोहरे की वजह से होने वाले सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलने वाली गाड़ियों की स्पीड लिमिट घटा दी गई है। 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक भारी वाहनों की अधिकतम स्पीड 70 से घटाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और छोटी गाड़ियों के लिए 100 से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। और इस समय की बड़ी खबर बता दें, संसद में सुरक्षा चूक पर सूत्रों से हमें बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों की बैठक में कहा, सुरक्षा के मामले को संवेदनशीलता से लें, स्पीकर को जो जरूरी लगे वो कदम उठाएं, मैं स्पीकर से इस बारे में बात करूंगा। तो प्रधानमंत्री ने मंत्रियों की बैठक में कहा कि सुरक्षा के मामले को संवेदनशीलता से लें। तो प्रधानमंत्री ने मंत्रियों की बैठक में बड़ी बात कही, स्पीकर को जो भी जरूरी लगे वो कदम उठाएं, इस पूरे मामले में मैं स्पीकर से खुद बात करूंगा, और जो संवेदनशीलता है सुरक्षा की उस पर ध्यान जरूर दें। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पहले फैसले में बिना लाइसेंस खुले में मांस मछली और अंडे बेचने पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही लाउडस्पीकर के अनियंत्रित इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। साथ ही सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक में इस बात का आदेश भी दिया कि इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। आदेश में कहा गया कि खुले में बिना लाइसेंस के मांस मछली अंडे बेचने पर प्रतिबंध रहेगा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। इन आदेशों का सख्ती से पालन हो इसके लिए सरकार ने उड़न दस्तों के गठन का फैसला भी किया, जो नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को सौंपेंगे। ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे, अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। सीएम ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के लाउडस्पीकर के अनियंत्रित इस्तेमाल पर प्रतिबंध के फैसले का असर भी तुरंत दिखाई दिया। अशोकनगर के सिटी कोतवाली इलाके में देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने पर प्रशासन ने एक्शन लिया और आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संगीत बजाने वाली मशीन और लाउडस्पीकर के साथ ही पूरी गाड़ी को भी जब्त कर लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सड़क पर तय समय के बाद भी तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस डीजे वाली गाड़ी को जब्त करके थाने ले गई। इसके साथ ही तीन डीजे संचालकों पर नियम के विरुद्ध लाउडस्पीकर बजाने के आरोप में कार्रवाई भी की गई। तीन डीजे लाए गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है, इस्तगासा तैयार किया जाता है, माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा, वहाँ से कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के नियमों का पालन करने के लिए भी पुलिस अधिकारी इलाके के संबंधित लोगों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के खुले में मांस मछली और लाउडस्पीकर के अनियंत्रित इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंध के फैसले पर अब सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष ने फैसले पर सवाल उठाते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की और मध्य प्रदेश की सरकार से पूछा कि शिक्षा और रोजगार की जगह ऐसे फैसलों से जनता को क्या लाभ होगा। कोई धार्मिक स्थल पे भजन कीर्तन हो रहे हैं और लाउडस्पीकर चल रहा है तो उसमें क्यों ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इसको भी कुछ जानकारी हमें दी जाए, ऐसा क्यों भाजपा सोच रही है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। तो नए मुख्यमंत्री है लेकिन उनका पूर्व इतिहास इतना खतरनाक है कि सीता माई को भी गाली दिया है उन्होंने। उधर बीजेपी ने सीएम मोहन यादव के फैसले को सही ठहराया। किसी की प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है तो उसे लाउडस्पीकर की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे दुराग्रही लोग हैं जो बिना मतलब के ऐसे मुद्दे खड़े करते हैं, तो उनका जो फैसला है वो सही है। बीजेपी ने इसे जनता के हित में लिया गया फैसला बताया। भारतीय सेना को जल्द ही अमेरिकन असॉल्ट राइफल्स की नई खेप मिलने जा रही है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने सेना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अमेरिका से 73,000 सिक्स फायर असॉल्ट
राइफल्स खरीदी जाएंगी। इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच कुल 840 करोड़ रुपए की डील साइन हुई है। भारत इससे पहले भी 72,400 सिक्सायर असॉल्ट राइफल्स अमेरिका से खरीद चुका है। इन राइफल्स के मिलने के बाद चीन और पाकिस्तान पर तैनात सैनिकों की ताकत में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अमेरिका की सिग 716 राइफल मौजूदा इंसास राइफल्स के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। सेना ने कुछ साल पहले ही सैनिकों के लिए ऐसी राइफल के इस्तेमाल का फैसला लिया जो इंसास राइफल के मुकाबले बड़ी और ताकतवर कारतूस, जिससे फायर हो सके। सेना को दो साल पहले अमेरिका असॉल्ट राइफल की पहली खेप मिल चुकी है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भारत और रूस के बीच समझौता था, लेकिन भारत में रूसी राइफल AK-203 के निर्माण में हो रही देरी की वजह से अमेरिकी असॉल्ट राइफल खरीदने का फैसला लिया गया। तेजी के रथ पर सवार शेयर बाजार ने आज फिर नया रिकॉर्ड बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 70,602 और निफ्टी ने 21,210 के रिकॉर्ड स्तर को छुआ। दिन का कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स 929 अंकों की तेजी के साथ 70,514 और निफ्टी 256 अंक की तेजी के साथ 21,182 पर बंद हुआ। IGL ने दिल्ली NCR में CNG के रेट 1 रुपए प्रति किलो तक बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में अब CNG का रेट बढ़कर 76.59 रुपए प्रति किलो हो गया, तो वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में CNG 81.20 रुपए प्रति किलो की दर पर मिलेगी। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। इस एयरपोर्ट पर 30 दिसंबर को पहली उड़ान दिल्ली से उतरेगी। अयोध्या के लिए पहली उड़ान इंडिगो एयरलाइंस की उतरेगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को भव्य बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद राजस्थान के 15,000 गांव में 25,000 टोलियां बनाएगा। ये टोलियां 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक लोगों के घर घर जाकर उन्हें अयोध्या चलने का न्योता देंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसों की रिपोर्ट जारी की है जिसके आंकड़े पैदल यात्रियों को चेताने वाले हैं। दिल्ली क्रैश रिपोर्ट 2022 के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर हर साल पैदल चलने वाले 500 से ज्यादा लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। साल 2022 में दिल्ली में कुल 5,652 रोड एक्सीडेंट्स हुए, जिनमें 2,234 हादसों में पैदल यात्री शिकार हुए। साल 2023 के आंकड़े देखें तो 15 नवंबर तक कुल 526 पैदल यात्री सड़क हादसे में मारे जा चुके हैं, जबकि 1698 घायल हुए हैं। बीते साल सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं के पीछे दोपहिया वाहन थे, जिनमें 516 केस सिर्फ हिट एंड रन के थे, जबकि सबसे ज्यादा पैदल यात्री हिट एंड रन हादसे का शिकार हुए। आंकड़ों के मुताबिक सड़क हादसे का शिकार होने वाले 81% लोग या तो पैदल यात्री थे या फिर टू व्हीलर पर चलने वाले थे। अगर समय की बात की जाए तो दिल्ली में ज्यादातर जानलेवा हादसे रात 11 बजे से रात 12 बजे के बीच हुए। हर 3 में से एक एक्सीडेंट ऐसा है जो अज्ञात गाड़ी से हुआ, यानी जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि दुर्घटना में जिम्मेदार व्हीकल किसका है।